अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिर्ज़ा रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमआर रहमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको अपनी पिछली एक दो वीडियोस में बताया था कि एमआर रहमान ग्रुप अपने व्यूअर्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो ला रहा है, जो इकोनॉमिकल भी होगा और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट जो है वो ऑफर भी करेगा। तो आज हम उसकी साइट पे मौजूद हैं। ये अगर मैं आपको इस सोसाइटी के बारे में बताऊँ तो ये रूडन इनक्लेव है। मैं इस वक्त रूडन इनक्लेव की साइट पर मौजूद हूँ। अगर आपको कैमरा मैन नीचे दिखा सके, ये आपको अगर मेन बुलेवार्ड नज़र आ रहा होगा, ये जो अगर कमरा बना है यहाँ पे एक बुलेवार्ड है। अभी आपको यहाँ पे ट्रैफिक भी नज़र आएगी। यहाँ ये बुलेवार्ड है, ये अडियाला रोड है। आगे ये रोड जा रहा है अडियाला से आगे आपके चक्री रोड की तरफ, 2.5 से 3 किलोमीटर बाद आगे चक्री रोड है। और चक्री इंटरचेंज से अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर यहाँ से वो दूर है। और रूडन इनक्लेव की ये जो यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये स्टेडियम के लिए जगह है, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने अपना साइड ऑफिस वगैरह बनाया हुआ है। फ्यूचर में जो रूडन इनक्लेव का मेन बुलेवार्ड होगा, अगर आप ये नीचे देख सकें तो ये सारी जो कटिंग हुई हुई है ये रूडन इनक्लेव का मेन बुलेवार्ड होगा। यहाँ पे जिन्होंने अभी कटिंग शटिंग कर दी और इसको आगे अभी इन पे वहाँ पे वर्किंग शर्किंग जो है वो कर रहे हैं। अगर मैं आपको इसका दूसरा प्लस पॉइंट दिखा सकूँ तो वो यहाँ पर ज़रार कैंप है जो आर्मी के ज़रिए अंडर आता है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाए तो आपको ज़रार कैंप की जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। रूडन इनक्लेव में दो जो डैम हैं वो भी यहाँ पे फॉल करते हैं। इसमें दो ब्लॉक्स हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक। एक इसका जो डैम है वो जनरल ब्लॉक में आता है और दूसरा डैम जो है वो इसके एग्जेक्टिव ब्लॉक में आता है। मैं इस वक्त एग्जेक्टिव ब्लॉक में मौजूद हूँ। अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके एग्जेक्टिव ब्लॉक में, यहाँ पर मशीनरी वगैरह भी खड़ी है जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स वगैरह का काम कर रही है। अभी यहाँ पर काम नहीं हो रहा, उसकी वजह है कि बारिश हो रही है। कल भी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई और आज भी आप देख सकते हैं कि बारिश का मौसम जो है वो बना हुआ है और आपको लैंड भी यहाँ पर नज़र आ रही होगी, स्लिपरी लैंड है सारी। तो जी आज हम आपको रूडन इनक्लेव का विज़िट करवा रहे हैं। अभी हम खुद साइट विज़िट करने आए थे तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को भी यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ़ कर दें। इंशाल्लाह रूडन इनक्लेव की डिटेल्स वीडियो और डिटेल्स के साथ हम आपको सारा अपडेट करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रूडन इनक्लेव के रिलेटेड और रावलपिंडी संभाग में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और हैं जिनके रिलेटेड हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं वो ईज़िली आप तक पहुँच सकें। तो आज मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो दो डैम हैं उनको भी कवर कर सकूँ। अगर उनको मैं कवर ना कर सका तो इंशाल्लाह जब मौसम थोड़ा साफ़ हो जाएगा और ये स्लिपरी लैंड वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह आपको इसका डिटेल के साथ इसकी जो सारी लैंड है वो भी विज़िट करवाएंगे और इसका जो मैप वगैरह है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा और इसके जो बाकी इसकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह और बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो शेयर करेंगे। यहाँ पर इसके मैं जिस तरह प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट्स की बात की, इसके अगर मैं आपको दो और प्लस पॉइंट बताऊँ तो जो रावलपिंडी रिंग रोड है जो आपको पता है उसका सैंडल वन जो है, इसका जो फेज़ वन है उसकी अप्रूवल तकरीबन हो चुकी है और उसका काम जो है वो शुरू होने वाला है। रूडन इनक्लेव का जो जनरल ब्लॉक है वो जनरल ब्लॉक थोड़ा सा पीछे है, मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में, जनरल ब्लॉक थोड़ा सा पीछे है। जनरल ब्लॉक में जो आपका रिंग रोड जो है वो जनरल ब्लॉक के बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा है, यानी रिंग रोड जो है वो गुजरेगी और उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो है वो रूडन इनक्लेव का जनरल ब्लॉक होगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। सेकंड इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आप हम इस वक्त इसके फ्रंट साइड पे हैं, आपको ये नीचे जो है अडियाला रोड नज़र आ रही होगी, इसकी बैक साइड पे जो है ये आपको अगर कैमरा मैन दिखा सके, जी आपको पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे, ये आपको पहाड़ नज़र जो आ रहे हैं, इनकी पिछली जो साइड है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ है। कैपिटल स्मार्ट से आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में हो और एग्जेक्टिव ब्लॉक से आप आउट हो तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के बाद आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो है वो इंटर हो जाएंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको पता है वहाँ पे उसका मोटरवे M2 के ऊपर इंटरचेंज भी अप्रूव्ड हो गया है, आप वहाँ से भी इसको रूडन इनक्लेव के अप्रोच कर सकते हैं। अडियाला रोड इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, आपके सामने है, वहाँ से भी आप रूडन इनक्लेव को जो है वो ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपको पता है रिंग रोड है, फिर आपको जी अडियाला रोड आ गया है, कैपिटल स्मार्ट सिटी आ गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज M2 के ऊपर अप्रूव्ड हो गया है, वहाँ से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लेकिन आपको जो इंशाल्लाह जो है इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे के जाएगी। तो इसके लिए आपको हम सारी डिटेल्स आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। आपका यहाँ पे रूडन इनक्लेव में जो भी बुकिंग प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह एमआर रहमान ग्रुप आपके साथ पूरा कोऑपरेटिव होगा, आपकी सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे थ्रू यहाँ पर बुकिंग करवाते हैं तो हम उसका आपको रीसेल का जो ऑप्शन है इंशाल्लाह वो भी आपको देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड हर जो वीडियो है रियल स्टेट से रावलपिंडी संभाग की वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, अब आपको इसके डैम वगैरह का भी विज़िट करवाते हैं और बाकी कुछ डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर।
व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको इसका रूडन इनक्लेव का एग्जेक्टिव ब्लॉग दिखाया, इस वक्त मैं जनरल ब्लॉग में मौजूद हूँ। अगर मैं आपको जनरल ब्लॉग से दिखाऊँ बैरियर टाउन फेज 8, तो अगर कैमरामैन थोड़ा सा जूम करें तो वो सामने जो आपको ना दूर से जो बिल्डिंग्स वगैरह और घर वगैरह आबादी नज़र आ रही है, ये बैरियर टाउन फेज 8 और फेज 8 एक्सटेंशन वगैरह वो सारी है। तो ये रूडन इनक्लेव का जनरल ब्लॉक है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसका डैम दिखाऊं तो डैम इसके बिल्कुल नीचे है। ये जो आपको पहाड़ी के नीचे जो लैंड नज़र आ रही है, यहाँ पे सारा जो है वो रूडन इनक्लेव का जो जावा डैम है वो है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो मैप है, इसका जनरल ब्लॉक का, रूडन इनक्लेव के जनरल ब्लॉक का जो मैप है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि उसमें जो प्लॉट की कटिंग और वो बाकी जो डैम वो भी मैं आपको इसके मैप के ऊपर दिखाता हूँ, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसकी लोकेशन वगैरह का। ये इसका एग्जेक्टिव, इसका जनरल ब्लॉक है जिसका ये मैप है। ये इसका एग्जेक्टिव ब्लॉक है जो मैंने आपको पहले वहाँ पे पीछे विज़िट करवाया। ये यहाँ से इसका जो मेन बुलेवार्ड है, ये इसका ए ब्लॉक है। ये अड़ियाला रोड है जहाँ से हम ऊपर आए हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, ये अड़ियाला रोड है। ये इसका ए ब्लॉक है, ये इसका बी है, देन सी, और जो मैं आपको डैम की बात कर रहा हूँ ये है वो डैम यहाँ पे ए ब्लॉक की बैक साइड पे वो डैम आ रहा है। तो ये सारी जो लैंड है ये रूडन इनक्लेव की डैम है, लैंड है। यहाँ पे ये थीम पार्क ही आप देख सकते हैं, डैम के ऊपर थीम पार्क है। और ये इसका ब्लॉक ई डी एच आई जी के और इसका जे ब्लॉक है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ जो इसका ब्लॉक आ रहा है वो जे ब्लॉक और के ब्लॉक आ रहा है। तो सबसे पहले अगर जो डेवलपमेंट्स होंगी वो इसकी एग्जेक्टिव ब्लॉक की होंगी, एग्जेक्टिव ब्लॉक से वो फिर आगे जे और के की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अभी जो फ्रेश बुकिंग हो रही है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सिर्फ ब्लॉक एच की जो है वो फ्रेश बुकिंग वगैरह यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं। तो ये आपको मैं इसका मैप दिखा रहा हूँ, सारा जनरल ब्लॉक का ये मैप है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी इसकी डिटेल वीडियो है, इसका इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह और इसका जो डिटेल के साथ आपको विजिट हम करवाएंगे वो आने वाली वीडियो आप हमारी देखते रहें, उसमें हम आपको इंशाल्लाह इसके ब्रीफ करेंगे, सारा इसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह है वो सारा हम आपको उसमें बताएंगे। तो ये था आज का रूडन इनक्लेव का विज़िट, हम फर्स्ट टाइम खुद आए थे इसलिए हमने कहा कि चलें आपको भी थोड़ा इसके अपडेट करते रहें। इंशाल्लाह जैसे टाइम गुजरता जाएगा हम आपको ये रूडन इनक्लेव के बारे में बाकी भी डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।